देखिए, पूरे देश में एक साल पूरा होने के बाद सरकार की क्या उपलब्धियां रही और जिस प्रकार का सारा दौर रहा, इसमें सरकार ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की, तो उस सारे के बारे में हमने एक पंपलेट तैयार किया, उसके बारे में जानकारी जनता को देना। क्योंकि जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब भी हम आपके पास आएंगे तो हम हिसाब देंगे आपको, तो हर साल हम हिसाब देने का काम कर रहे हैं। तो अभी जिस प्रकार से देश की परिस्थितियाँ हैं कि ज़्यादा लोग नहीं चल सकते, इसलिए हम दो दो तीन तीन लोग इकट्ठे हैं सारे देश में, और पूरे देश में आज ये अभियान शुरू हुआ है। हरियाणा में भी हमने टारगेट रखा है कि 20 लाख परिवारों से हम संपर्क करेंगे, और ये पंपलेट है जिसमें हमने सारा, जैसे इसमें धारा 370 हटाने की बात है, नागरिकता संशोधन बिल की बात है, राम मंदिर की बात है, 3 तलाक की बात है, करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात है, बोडो समझौते की बात है, और भी बहुत सी हैं, जैसे आयुष्मान योजना, अटल पेंशन योजना, ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, बैंकों का विलय, और भी ऐसे बहुत से जो मामले हैं जिनके मामले में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, तो उन सारों की जानकारी इसमें है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी जनता के नाम लिखी है, उसका भी इसमें जिक्र है, और हरियाणा सरकार ने क्या काम कर रही है जिक्र इसमें है। तो ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे देश में आज लगे हुए हैं, घर घर जाके हम ये संदेश देने का प्रयास